नमस्कार गगरेटवासियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। आज भाइयों और बहनों, मैं जो ये वीडियो के माध्यम से जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था इसके बारे में जो है आप सबसे चर्चा करी जाए और जो मेरा पक्ष है और जो मेरी सोच है वो आपके समक्ष रखी जाए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे गगरेट के क्षेत्र में जो पंचायत लगती है क्लो, यहां पर जो है एक बहुत बड़ा जो है विवादित मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चलता आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि बूचड़ खाने को खोलने की जो है काफी ज्यादा रैपिड पेस पे जो है तैयारी चल रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए शासन और प्रशासन, जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और मैं जैसे जितने भी शासन में लोग हैं, हम सभी लोगों ने आपस में चर्चा करी। पहले तो सारे जो मामला चल रहा है उसका हमने संज्ञान लिया, परंतु आज मैं आपसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली विधायक होने के नाते आपसे नहीं बात करना चाहता, परंतु गगरेट का एक निवासी होने के नाते भी आपसे बात करना चाहता हूं। और बहुत जरूरी है कि हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जो आगे अपने लिए किसी तरीके की एस्पिरेशन रखते हैं, किसी तरीके के अपने लिए जो अपने मन में है एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए जो है किसी ना किसी तरीके की कल्पना करते हैं, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको टेक्निकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके बीच में कुछ जो है इस संदर्भ में पॉइंट्स रखना चाहता हूं। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री लगनी होती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमें सरकारी तौर तरीके से, प्रशासनिक तौर तरीके से क्लियरेंस लेनी होती है। जो हमारी पंचायती अर्थव्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत हमारी जो पंचायत होती है उनको भी जो है कुछ इंस्टेंसेस में एनओसी देनी होती है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कार्रवाई रजिस्टर्ड प्रोसीडिंग बुक जो हमारी क्लो पंचायत की है। इसमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कागज आपके साथ मैं सामने पेश कर रहा हूं और इसको मैं पब्लिक डोमेन में भी जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गगरेट की जनता के बीच में रखना चाहूंगा कि इसमें लिखा गया है कि क्लो पंचायत में नियम 10 और 34 के अंतर्गत जो दिनांक 30/10/2021 को ग्राम सभा रखी गई थी, उसमें एक फर्म है जिसमें बताया गया है और मैं कोट करके बताना चाहूंगा। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अदिति गोयल्स पार्टनर गोयल्स फूड वर्ल्ड प्लॉट नंबर 23A इंडस्ट्रियल एरिया शोगी शिमला को उपरोक्त खसरा नंबर पर पोल्ट्री गोट शीप स्लॉटर हाउस का एक आधुनिक तकनीक का फुल्ली ऑटोमाइज प्लांट लगाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करा जाता है। इसी के बाद जो है अगले पेज पे जो कॉपी होती है, जो नकल होती है एक पंचायत की एनओसी की, वो भी इसके साथ अटैच है। ये ऑफ कोर्स सारे जो है ये फोटो कॉपीज है, पब्लिक डोमेन में हम इनके ओरिजिनल वर्जन्स भी जो है वो सबमिट करना चाहेंगे। अब देखिए भाई और बहनों, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा प्रोसीडिंग बुक का जो ये रजिस्टर में हमने ये एनओसी अभी मैंने आपके समक्ष रखी है, ये 31 अक्टूबर 2021 में जो है इस कंपनी ने प्राप्त करी। इसके उपरांत एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत जो हमारे प्रदेश का इंडस्ट्री विभाग है जिसके डायरेक्टर साहब जो है शिमला में बैठते हैं, उनके हस्ताक्षर के साथ जो है, अगर आप देखेंगे दूसरे पेज पे उस पर उनका हस्ताक्षर है, उनके हस्ताक्षर के साथ जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल इस ही फर्म को, जिसका नाम है जो मैंने आपको बताया गोयल्स फूड वर्ल्ड लिमिटेड के द्वारा, इनको जो है जिसमें प्रोडक्ट नेम दिया गया है चिकन और प्रोडक्ट नेम दूसरा दिया गया है गोट एंड शीप मीट कार्केस, इसके लिए इनको जो है परमिशन दी गई। अब देखिए, बड़ा ताज्जुब होता है कि हम देखते हैं कि कभी ना कभी जो ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं इनको कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हमारे उन पंचायतों से जुड़े हुए हैं, क्लो के जितने भी हमारे वहां के स्थानीय निवासी हैं, बड़ों के स्थानीय निवासी हैं, वहां के निकटतम पंचायतों के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आके जो है इस मुद्दे को उठाया। किसी ने नहीं देखा कौन कांग्रेस में है, कौन बीजेपी में है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको हमने पब्लिक डोमेन में उठाया। जिस वक्त मैंने इस घटनाक्रम का संज्ञान लिया, देखा कि कैसे परमिशन मिली है और जो ये इंडस्ट्री लग रही, जब मैंने इसका संज्ञान लिया, तो एक निजी स्तर पे
जो हमारी सामाजिक सोच विचारधारा है, जो हमारी धार्मिक सोच विचारधारा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने भी अपनी जो है आपत्ति इस पे दर्ज करी। अब वो मैंने पब्लिकली उस फॉर्मेट में नहीं जो है दर्ज करी होगी, जिस फॉर्मेट में हमारे यहाँ के जो स्थानीय गए या पता नहीं वो स्थानीय है या नहीं है, जो हमारे पूर्व के यहाँ के जो हमारे जो नेतागण है उन लोगों ने इसका जो बहुत हौला करने की कोशिश करी। मैंने खुद ही लोगों को एडवाइस करा था कि आप इस विषय में हमारे जो एसडीएम महोदय हैं उनको जो एक है आप अपनी तरफ से एक ज्ञापन सौंपे, आप जो है अपनी तरफ से एक शिकायत पत्र दें ताकि प्रशासनिक और शासनिक रूप से हम इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। मैं ऑलरेडी इसमें प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एसडीएम महोदय से भी बात हुई है, वीडियो साहिबा से भी बात हुई है और मेरी जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात हुई है। मैं कहीं पर भी किसी भी स्तर पे किसी को भी दोष नहीं रख रहा हूं। हमारे पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे प्रधान हो चाहे उप प्रधान हो, किसी भी विचारधारा से आते हैं, उन्होंने एक गुडविल में जो है ये सर्टिफिकेशन दिया होगा, मेरा मानना ये। बाकी क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर तो एक डिटेल्ड जो है सर्वे और उस इंक्वायरी रिपोर्ट का सामने आना मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिकली होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट मेरा मानना यह है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जो हमारे पंचायत के स्थायी हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इन गुड स्पीड और जो उन्होंने एक गुड स्पिरिट में ये डिसीजन लिया होगा। अब उसके बाद क्या उनकी ये अनुमति जो उन्होंने दी थी क्या उनके पास पहली बात तो वो पावर है या नहीं है। जब मैंने आधिकारिक रूप से बात करी है प्रशासन में तो अब आज की डेट में तो ये भी सामने आता है कि जो एक हमारी पंचायत है, पंचायत ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम नई पंचायती राज की गाइडलाइंस देखें तो पंचायत के पास पावर्स नहीं है ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी अनुमति देने की। चलिए एनओसी दिया गया, उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस में बोला गया था कि अरे विधायक जी जो है इसके ऊपर कुछ कह नहीं रहे। तो अगर देखिए अगर हमने टिका टिप्पणी करनी है तो जैसे मैंने बोला और गौरतलब बात है, इसमें दिया हुआ है मोटा मोटा 14th of October 2022। ये जानना और समझना फिर बहुत जरूरी है कि उस वक्त गगरेट विधानसभा की कमान किसके हाथ में थी। ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है हम सभी के लिए कि हम आपस में ये विचार विमर्श करें। जब हम एक ज्ञापन पत्र देने जाते हैं और राजनीतिक रोटी अपनी सेकने के लिए और अपने राजनीतिक जो हमारा करियर जो है बहुत ही ज्यादा डिम होता हुआ दिख रहा है उसको आगे बढ़ावा देने के लिए हम नारेबाजी कर देते हैं, पर जब ऐसा कोई एक सोशल मुद्दा, ऐसा सामाजिक मुद्दा, एक धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा, हमारी धार्मिक सभ्यता के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा, अगर हम उसका राजनीतिकरण करेंगे तो कहीं ना कहीं हम जैसे जो नेता हैं हमें अपने अंदर झांकना बहुत ज्यादा जरूरी है और देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या समाज कल्याण हेतु हमारे एक्शन है या नहीं है। आलोचना करना बुरी बात नहीं है। आज की डेट में अगर मैं गगरेट विधानसभा का अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, अगर मैं विधानसभा में गगरेट का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं तो मेरे को अपना दायित्व कैसे निभाना है मैं बखूबी उस बात को जानता हूं। परंतु मेरा जानना जो है, मेरा कहना जो है, मेरा समझना जो है वो इस बात पे है कि क्या हमारे यहाँ के जो बुद्धिजीवी नेता हैं वो सोशल कॉजेस को सोशल कॉजेस की तरह उठा रहे हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को माइंड में रखते हुए क्या वो उसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं अपने राजनीतिक मौन मतलब के लिए या उनकी भावनाएं जेन्युइनली जुड़ी हुई है। भाइयों और बहनों और खासकर मेरा ये जो मैसेज है हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए है, मेरी युवा पीढ़ी के लिए जो मेरे पीछे खड़ी हुई है, मेरी माताओं और बहनों के लिए है जो मेरे पीछे खड़ी हुई है कि क्या हमारी आंखों में धूल तो नहीं झोंकी जा रही है। अगर एक अनापत्ति पत्र 31 अक्टूबर 2021 को दिया जाता है और उसी के उपरांत राज्य सरकार द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत जो है 14 अक्टूबर 2022 को दिया जाता है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या वो अपना इस मुद्दे के ऊपर बयान देंगे या नहीं देंगे? आपको मेरा राजनीति करने का स्टाइल जो है हमेशा से पता है और मेरा मानना यह है कि आपको अपने कुकर्म पर ध्यान देना चाहिए। आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि योर एक्शंस शुड स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। तो जो भी है वो आप सभी के सामने है, जो तथ्य है मैंने वो भी आपके सामने रखे। जैसे मैंने कहा कि देखिए मैं तो करनी में विश्वास रखता हूं, ये सारे जब फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं इसके बाद मैंने एसडीएम साहब से जो है उनके साथ चर्चा करी है क्योंकि वो जो है उनके पास इस चीज की जो है उनके पास अथॉरिटी है। तो मैंने उनको बताया है कि पंचायत जो है अपने स्तर पे मेरी प्रधान से भी बात हुई, माननीय उप प्रधान प्रधान दोनों से बात हुई और मैंने उनको यही राय दी कि आप अपनी पंचायत में इत्तला दीजिए और एक आम जनाज बुलाइए, एक स्पेशल मीटिंग कॉल करिए जहां पर सबसे पहले तो ये एनओसी को रद्द करा जाए। उसके उपरांत
क्योंकि जो इसमें कंसर्न अथॉरिटी है जैसे मैंने कहा पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत वो एसडीएम है, तो हमारी जो बीडीओ मैडम है वो ऑलरेडी ये प्रोसेस जो है वो प्ले में है, बीडीओ मैडम लिखेंगी हमारी एसडीएम साहब को और वो इस एनओसी को जो है इस वक्त एक जो है इसमें पॉज करेंगे, बाकी की जो हमारी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई है हम उसको फॉलो करेंगे। दो तीन दिनों के बाद जब मेरा सीएम साहब से जब मेरी अगली मुलाकात होगी ये विषय मैंने उनके समक्ष भी रखना है, इंडस्ट्रीज हमारे जो मिनिस्टर हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी मेरे को उनके समक्ष भी रखना है, और जिस प्रकार से क्लियरेंस दी गई है जो हमारी सामाजिक सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी रिलीजियस है, हमारी धार्मिक हमारी सभ्यता को हमारे सेंटिमेंट्स को अगर ये चीज हर्ट करती है तो सबसे पहले मैंने संज्ञान लेना है क्योंकि मैंने शपथ ली है नगर विधानसभा के क्षेत्र का जो है उसका प्रतिनिधित्व करने की, तो मेरे को किसी से भी किसी भी प्रकार की जो है आप मेरी आलोचना करिए उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्ञान वहां दीजिए जब आपके फैक्ट्स क्लियर हो, हमें वही बोलना चाहिए जहां हमारे खुद के फैक्ट्स क्लियर हो। इंग्लिश में एक कहावत है कि पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, जो लोग खुद शीशों के घरों में रहते हैं उनको दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। अनापत्ति पत्र जो है फिर से मैं दोहरा रहा हूं 21 में दिया गया और उसके बाद 22 में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इसको क्लियरेंस दी गई, व्यवस्था परिवर्तन जो है वो जनवरी 2023 में करी गई है गगरेट में भी और प्रदेश में भी। बाकी सामाजिक तौर पे जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जितने भी मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, जितने भी युवा साथी महिलाएं हैं जिन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज करी है, आपके सेंटिमेंट्स मेरे साथ वेल रजिस्टर्ड है, मैं भी आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता हूं, प्रशासन भी आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझता है, और साथ ही साथ जो इसके ऊपर कार्रवाई होनी है मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी जो है वो एक्शन ले रहे हैं। खाली कनस्तर जो है वो सबसे ज्यादा बचते हैं, तो अगर किसी ने अपनी आपत्ति दर्ज करनी थी तो पहले इन फैक्ट्स को माइंड में रखते हुए करनी चाहिए थी। मेरे को पब्लिक सेंटिमेंट के लिए पूरा रिकॉर्ड है, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, जितनी भी हमारी महिलाएं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, जितने भी मेरे युवा साथी जो क्लो पंचायत से बड़ो पंचायत से, जब उन्होंने अपनी आपत्ति रजिस्टर करी जैसे मैंने पहले कहा डजंट मैटर पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उनका जो शब्द है और जो उनकी फीलिंग्स है वो सर्वप्रिय है। जब मैं खाली कनस्तरों की बात कर रहा हूं तो मैं उन नेताओं की बात कर रहा हूं जो सिर्फ राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए अपने फ्यूचर का, जिनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है क्योंकि उनको पता है कि प्रेजेंट ही उनका बहुत ज्यादा जो है वो डोल्ड्रम्स में है, ये सिर्फ एक्शन उनके द्वारा लिया जा रहा है। एक बार फिर से पुनः मैं हमारे मीडिया के कर्मियों का, मेरे साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, और हमारे जितने भी समक्ष हमारे जितने भी हमारे हमारे स्थानीय जितने भी सिटीजन है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जो है इस मुहिम को उठाया सक्सेसफुली, जो है जो आपकी भावनाएं हैं उनके ऊपर राज्य सरकार प्रशासन शासन जो है एक्शन लेगा, ये मैं आपको इसकी जो है पूर्ण जो है मैं आपका विश्वास दिलाता हूं। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय गगरेट। नमस्कार गगरेट वासियों, मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। आज भाइयों और बहनों, मैं जो ये वीडियो के माध्यम से जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूं, मैं बड़े दिनों से सोच रहा था इसके बारे में जो है आप सबसे चर्चा करी जाए और जो मेरा पक्ष है और जो मेरी सोच है वो आपके समक्ष रखी जाए। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे गगरेट के क्षेत्र में जो पंचायत लगती है क्लो, यहां पर जो है एक बहुत बड़ा जो है विवादित मुद्दा पिछले कुछ दिनों से चलता आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि बूचड़ खाने को खोलने की जो है काफी ज्यादा रैपिड पेस पे जो है तैयारी चल रही थी। इसी को मद्देनजर रखते हुए शासन और प्रशासन, जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं और मैं जैसे जितने भी शासन में लोग हैं, हम सभी लोगों ने आपस में चर्चा करी। पहले तो सारे जो मामला चल रहा है उसका हमने संज्ञान लिया, परंतु आज मैं आपसे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली विधायक होने के नाते आपसे नहीं बात करना चाहता, परंतु गगरेट का एक निवासी होने के नाते भी आपसे बात करना चाहता हूं। और बहुत जरूरी है कि हमारे क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं, जो आगे अपने लिए किसी तरीके की एस्पिरेशन रखते हैं, किसी तरीके के अपने लिए जो अपने मन में है एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक अच्छे भविष्य के लिए जो है किसी ना किसी तरीके की कल्पना करते हैं, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको टेक्निकली समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके बीच में कुछ जो है इस संदर्भ में पॉइंट्स रखना चाहता हूं। देखिए, जब भी कोई इंडस्ट्री लगनी होती है तो उसके लिए जरूरी होता है कि हमें सरकारी तौर तरीके से, प्रशासनिक तौर तरीके से क्लियरेंस लेनी होती है। जो हमारी पंचायती अर्थव्यवस्था है उसको मद्देनजर रखते हुए पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत हमारी जो पंचायत होती है उनको भी जो है कुछ इंस्टेंसेस में एनओसी देनी होती है,
नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कार्रवाई रजिस्टर प्रोसीडिंग बुक जो हमारी क्लो पंचायत की है। इसमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कागज आपके साथ मैं सामने पेश कर रहा हूं और इसको मैं पब्लिक डोमेन में भी जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से गगरेट की जनता के बीच में रखना चाहूंगा कि इसमें लिखा गया है कि क्लो पंचायत में नियम 10 और 34 के अंतर्गत जो दिनांक 30/10/2021 को ग्राम सभा रखी गई थी उसमें एक फर्म है जिसमें बताया गया है और मैं कोट करके बताना चाहूंगा, अतः यह निर्णय लिया गया है कि अदिति गोयल्स पार्टनर गोयल्स फूड वर्ल्ड प्लॉट नंबर 23 के इंडस्ट्रियल एरिया शोगी शिमला को उपरोक्त खसरा नंबर पर पोल्ट्री गोट शीप स्लॉटर हाउस का एक आधुनिक तकनीक का फुल्ली ऑटोमाइज प्लांट लगाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करा जाता है। इसी के बाद जो है अगले पेज पे जो कॉपी होती है, जो नकल होती है एक पंचायत की एनओसी की, वो भी इसके साथ अटैच है। ये ऑफकोर्स सारे जो है ये फोटो कॉपीज है, पब्लिक डोमेन में हम इनके ओरिजिनल वर्जन भी जो है वो सबमिट करना चाहेंगे। अब देखिए भाई और बहनों, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है कि ये जो हमारा प्रोसीडिंग बुक का जो ये रजिस्टर में हमने ये एनओसी अभी मैंने आपके समक्ष रखी है, ये 31 अक्टूबर 2021 में जो है इस कंपनी ने प्राप्त करी। इसके उपरांत एक इन प्रिंसिपल अप्रूवल सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के तहत जो हमारे प्रदेश का इंडस्ट्री विभाग है जिसके डायरेक्टर साहब जो है शिमला में बैठते हैं उनके हस्ताक्षर के साथ जो है, अगर आप देखेंगे दूसरे पेज पे उस पे उनका हस्ताक्षर है, उनके हस्ताक्षर के साथ जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल इस ही फर्म को जिसका नाम है जब मैंने आपको बताया गोयल्स फूड वर्ल्ड लिमिटेड के द्वारा इनको जो है जिसमें प्रोडक्ट नेम दिया गया है चिकन और प्रोडक्ट नेम दूसरा दिया गया है गोट एंड शीप मीट कार्केस, इसके लिए इनको जो है परमिशन दी गई। अब देखिए बड़ा ताज्जुब होता है कि हम देखते हैं कि कभी ना कभी जब ऐसे सामाजिक मुद्दे होते हैं इनको कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। सबसे पहले तो मैं हमारे सारे मीडिया के साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जितनी भी हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बुद्धिजीवी लोग हमारे उन पंचायतों से जुड़े हुए हैं, क्लो के जितने भी हमारे वहां के स्थानीय निवासी हैं, बड़ों के स्थानीय निवासी हैं, वहां के निकटतम पंचायतों के जितने भी हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आके जो है इस मुद्दे को उठाया। किसी ने नहीं देखा कौन कांग्रेस में है कौन बीजेपी में, ये हमारे समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिसको हमने पब्लिक डोमेन में उठाया। जिस वक्त मैंने इस घटनाक्रम का संज्ञान लिया, देखा कि कैसे परमिशन मिली है और जो ये इंडस्ट्री लग रही है, जब मैंने इसका संज्ञान लिया तो एक निजी स्तर पर जो हमारी सामाजिक सोच विचारधारा है, जो हमारी धार्मिक सोच विचारधारा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने भी अपनी जो है आपत्ति इस पर दर्ज करी। अब वो मैंने पब्लिकली उस फॉर्मेट में नहीं जो है दर्ज करी होगी जिस फॉर्मेट में हमारे यहाँ के जो स्थानीय गए या पता नहीं वो स्थानीय है या नहीं है, जो हमारे पूर्व के यहाँ के जो हमारे जो नेतागण है उन लोगों ने इसका जो बहुत हौला करने की कोशिश करी। मैंने खुद ही लोगों को एडवाइस करा था कि आप इस विषय में हमारे जो एसडीएम महोदय हैं उनको जो एक है आप अपनी तरफ से एक ज्ञापन सौंपें, आप जो है अपनी तरफ से एक शिकायत पत्र दें ताकि प्रशासनिक रूप से हम इसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। मैं ऑलरेडी इसमें प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी एसडीएम महोदय से भी बात हुई है, बीडीओ साहिबा से भी बात हुई है और मेरी जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनसे भी बात हुई है। मैं कहीं पर भी किसी भी स्तर पे किसी को भी दोष नहीं रख रहा हूं। हमारे पंचायत के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे प्रधान हो चाहे उप प्रधान हो, किसी भी विचारधारा से आते हैं, उन्होंने एक गुडविल में जो है ये सर्टिफिकेशन दिया होगा, मेरा मानना ये। बाकी क्या हुआ नहीं हुआ इसके ऊपर तो एक डिटेल्ड जो है सर्वे और उस इंक्वायरी रिपोर्ट का सामने आना मेरे हिसाब से फ्यूचरिस्टिकली होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बट मेरा मानना यह है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कि जो हमारे पंचायत के स्थायी हमारे जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इन गुड स्पीड और जो उन्होंने एक गुड स्पिरिट में डिसीजन लिया होगा। अब उसके बाद क्या उनकी ये अनुमति जो उन्होंने दी थी, क्या उनके पास पहली बात तो वो पावर है या नहीं है? जब मैंने आधिकारिक रूप से बात करी है प्रशासन में तो अब आज की डेट में तो ये भी सामने आता है कि जो एक हमारी पंचायत है, पंचायत ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम नई पंचायती राज की गाइडलाइंस देखें तो पंचायत के पास पावर्स नहीं है ऐसे किसी प्रोजेक्ट के लिए अपनी अनुमति देने की। चलिए एनओसी दिया गया, उसके बाद सिंगल